मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है, उनका इलाज SMS में किया गया है, जहां एक घंटे जांच इलाज के बाद डॉक्टरों ने उनको छुट्टी दे दी। साथ ही एक सप्ताह तक पूरी तरह से आराम करने की सलाह भी दी है। बताया जा रहा है कि घर पर ही मुख्यमंत्री के दाएं पैर में नुकीली चीज चुभने के बाद उनका बैलेंस बिगड़ गया और बायां पैर मुड़ गया। इस वजह से दाएं पैर के अंगूठे का नाखून उखड़ गया और बाएं पैर में हेयर लाइन फ्रैक्चर आ गया। चोट के बाद अब संभावना है कि मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रम और दौरे रद्द किए जा सकते हैं। गुरुवार शाम करीब 6 बजे सीएम हाउस में गहलोत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है। उन्हें फौरन SMS अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया। यहां डॉक्टरों ने ECG, एक्सरे समेत तमाम रूटीन चेकअप किए हैं। नुकीली चीज चुभने के बाद मुख्यमंत्री के पैर से खून बहने लगा था। हॉस्पिटल स्टाफ व्हील चेयर पर ड्रेसिंग रूम में लेकर गया और खून निकलने वाली जगह पर डॉक्टरों ने सबसे पहले ड्रेसिंग की। इसके बाद दोनों पैर का एक्सरे करवाया गया। OSD लोकेश शर्मा ने बताया कि CM बिल्कुल ठीक है, पैर में मामूली चोट आई है। इस दौरान SMS के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बघट्टा के हड्डी रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन की टीम मौजूद रही। मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, PSDC मंत्री महेश जोशी समेत अन्य नेता भी SMS पहुंचे। गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वधू हिमांशी गहलोत और पोते भी हॉस्पिटल पहुंची।